हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। सो आज है यहाँ पे मेरा डे 6 और आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ यहाँ से खारदुंगला। अराउंड 1 आवर का डिस्टेंस है ले से खारदुंगला का। तो अभी मैं खारदुंगला जा रहा हूँ जो कि हाईएस्ट मोटरेबल पास है वर्ल्ड का। अराउंड 17,800 समथिंग इसकी हाइट है, सी लेवल से इतने फीट हाइट है इसकी हवा पे। और आपको दिखाता हूँ खारदुंगला पास और रास्ते के कुछ व्यूज़। ऑन द वे टू खारदुंगला पास, ये नज़ारे खारदुंगला पास को जाते हुए नुब्रा वैली खारदुंगला पास के रास्ते में पीक पॉइंट जहाँ से पूरी की पूरी वैली दिख रही है। सुबह का ब्यूटीफुल सीन। अभी मैंने अपना इनर लाइन परमिट दिखा दिया है चेक पोस्ट पे, तो अभी हम जा रहे हैं खारदुंगला, फिर जाएंगे मोरिरी लेक, देन नुब्रा वैली एंड देन वापस बैक टू लेक। गाइस, खारदुंगला जाते जाते रास्ते में वेदर देखो पूरा पैक हो चुका है, सारे क्लाउड्स ही क्लाउड्स आ चुके हैं रास्ते में। आपको दिख रहा होगा चांदी जैसा पहाड़, बिल्कुल पूरा स्नोफॉल हुआ पड़ा है सामने। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं खारदुंगला पास, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास। सो कुछ व्यू यहां का ऐसा है। सो खालसा गंज 6 किलोमीटर, सियाचिन बेस कैंप 164 किलोमीटर, हाईएस्ट मोटरेबल पास खारदुंगला पास, इसकी हाइट 17,982 फीट है अबव सी लेवल। यहाँ सारे ग्लेशियर्स बने हुए हैं आइस के, जैसे हमने खारदुंगला पास क्रॉस किया तो यहाँ पे आइस के काफ़ी सारे ग्लेशियर्स मिले हमें। सो गाइज, ये है नुब्रा वैली खारदुंगला से आगे, और नुब्रा वैली के पास ये सारे सैंड ड्यून्स, वहाँ पर लोग सारे माउंटेन बाइक्स चला रहे हैं। हे गाइज, सो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ नुब्रा वैली। यहाँ पर सैंड ड्यून्स हैं, तो सैंड ड्यून्स कुछ इस तरीके से पूरे रेत के टीले बने हुए हैं यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े, और आई थिंक उधर अगर देख नज़र डाल के देखोगे तो काफ़ी दूर तक रेत के टीले बने हुए हैं। लेकिन सच बताऊं, इतनी दूर आया इतना मज़ा नहीं आया मेरे को नुब्रा वैली में आके। व्यू अच्छा है बट लाइक नॉट क्वाइट गुड। बीच में खारदुंगला पास था वो अच्छा लगा मैं थोड़ा, बट यहाँ से व्यू अच्छा आ रहा है बट करने के लिए सच में कुछ मिला नहीं। अभी रास्ते में कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए थी, वहाँ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर सैंड के ड्यून्स हैं सिर्फ, रेत के टीले बेसिकली अगर आप देखोगे दूर तक। तो ये है नुब्रा वैली इन लेह, और ये रहा मैं।
जैसे आप स्कूटी बाइक या बुलेट चलाते हैं तो अपनी बॉडी को मूवमेंट करते हैं, इसका बॉडी मूवमेंट नहीं करना और गलती से पैर बाहर नहीं रखना, अंदर मूव करना। ये बैक ब्रेक है, इसका बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ये आपका फ्रंट ब्रेक है, जब यूज़ करना होगा ये आपका फ्रंट ब्रेक है, और ये नोप आपका एक्सीलेटर है सर। ये एक्सीलेटर है आराम से अब चार पहिए भी डर लगा। सो दिस इज़ ड्यून वैली एडवेंचर और मैंने यहाँ पर की है ATV बाइक राइड। हेलो, हम कहाँ जा रहे हैं भैया? अभी हम लोग जा रहे हैं एक एडवेंचर करने, इसकी कहते हैं रिवर राफ्टिंग। वो तो आपके कपड़े देखे पता चल रहा है जी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वो है इवेंट है यहाँ की जो हम कहाँ पे कर रहे हैं, ये हम कर लें आपका नुब्रा वैली में, नुब्रा वैली की बिगनिंग में ही आपका रिवर राफ्टिंग कैंप है। लेकिन जिसने ऋषिकेश करी है मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, ये हम जैसे नौसिखिया लोगों के लिए ऋषिकेश किया हुआ है भी एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ, उनके लिए काफ़ी है क्योंकि नदी बिल्कुल सीधी सीधी है, ठीक है। और आप अगर राफ्टिंग करना चाहें तो ऋषिकेश जरूर जाएं। मैं अपनी रिवर राफ्टिंग की आपको ऋषिकेश की जो वीडियो है वो शेयर करूंगा, आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और मेरे दोस्त इनकी जरूर करें क्योंकि इनका सपना अब यूट्यूबर बनना ही है। अब चलते हैं, ड्राइवर बुला रहा बाद में। तो यहाँ पर मैं राफ्टिंग करने वाला हूँ, फ्लो काफ़ी तेज है, बाकी पता चलता है नीचे उतर के कि कैसा होता है। हाँ जी भैया, कुछ कहना चाहोगे आप? शेरफ रिवर के इस किनारे पर आज हम दोनों भाई रिवर राफ्टिंग का आनंद उठाएंगे। आनंद उठाने का मतलब हमेशा खुशी खुशी नहीं होती, कभी कभी फटी फटी होती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, रिवर राफ्टिंग करने से पहले पूरी तैयारी करें, पूरे होश में रहें, नशे में ना रहें। गलवान घाटी का बदला लेना है सबने। अडल फॉरवर्ड टीम। वेट मत डाल भाई, क्या ऊपर जाना है? One, two, three. Start now.